कराची के बाद दूसरे नंबर पर इनकम देने वाला सनती जोन जिला घोटकी है। लिबर्टी डहर की पावर लिमिटेड का मुआशी तरक्की के साथ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जानिब पहला अहम और अहसन इकदाम। मुलाजमीन और दही इलाकों में बायोगैस फ्राहम करने के लिए 200 क्यूबिक मीटर पर मुहित प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं HP बलोच। घोटकी जिला सनती जोन के तौर पर सिंध में दूसरे नंबर पर जाना जाता है, जो कि कराची के बाद इनकम देने वाला जिला कहलाया जाता है, जहां लिबर्टी डहर की पावर लिमिटेड मीरपुर माथेलो ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए माहौल दोस्त इकदाम उठाते हुए 200 क्यूबिक मीटर पर मुहित बायोगैस प्लांट लगाने की बुनियाद रखती है, जिसमे मुलाजमीन की घरेलू जरूरत पूरी करने और गिर्दोनवाह के देहात को आलूदगी से पाक सस्ती नेचुरल बायोगैस फराहम करने, दही इलाकों में नेचुरल बायोगैस प्लांट लगाने और रागिब करने में आवाम को मदद फराहम करने का अज़्म किया गया। तो लिबर्टी डहर की पावर प्लांट, ये 235 मेगावाट की पावर प्लांट है, ये नेचुरल गैस पे चलता है। इधर जो बायोगैस प्लांट है, ये भी हमारे अनदर ग्रीन इनिशिएटिव जो फार्मिंग है, उधर से जो गाय भैंस की जो वेस्ट होती है उससे तकरीबन 200 मीटर क्यूब हम डेली गैस बनाएंगे, जो हमारी इधर की जो कुकिंग पर्पज के लिए ज़रूरत है इंटरनली वो सॉल्व करेंगे। शुरुका का कहना था कि जरूरत इस अम्र की है कि लिबर्टी डहर की पावर प्लांट मीरपुर माथेलो की तरह तमाम सनती इदारे जिला घोटकी के आवाम को आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम उठाकर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील करें, ताकि हमारा मुल्क मजीद तरक्की कर सके। HP बलोच, बोल न्यूज, मीरपुर माथेलो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।